Hey guys, I hope you are doing well. So today we are talking about Central University of Punjab. Punjab के बारे में आज अपन बात करने वाले हैं. पंजाब से बात करने के लिए एक दबाए, अन्यथा दो दबाए. ओके, आपने ऐसा गाना सुना होगा बहुत बार. सो यार, जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब है, दिस इज सिचुएटेड इन भटिंडा. ओके, दिस इज एन डिस्ट्रिक्ट इन पंजाब. आई थिंक रियली स्मार्ट सिटी इन पंजाब. जैसे हमारे धोलेरा जैसे स्मार्ट सिटियां नहीं होती हैं लोगों के पास, या भटिंडा एक स्मार्ट सिटी मानते हैं ऐसे लोग इसको. ओके, और आई थिंक यहाँ पे है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब जो कि भटिंडा के अंदर है. इसके बारे में आज अपन कंप्लीट के अंदर डिस्कस करने वाले हैं. यार इसमें जो सारे के सारे जो कोर्सेस अवेलेबल है वो या तो इंटीग्रेटेड कोर्सेस है या फिर मास्टर्स कोर्सेस है, पीजी कोर्सेस है. यूजी वाले बच्चों के लिए ज्यादा कुछ यहाँ पे कोर्सेस अवेलेबल है नहीं. ओके, सो इसके बारे में आज अपन कंप्लीट के अंदर डिस्कस कर लेते हैं. क्या सारा प्लेसमेंट है, क्या सारा सीनियरियो है, कितने मार्क्स पे इसका जो है लॉक हो जाता है, कितना कट ऑफ चाहिए होता है. 400 का आजकल टेस्ट होता है. स्पेशली इसके जो पॉपुलर कोर्सेस है उसकी अगर अपन बात करें, एमएससी मैथमेटिक्स, एमएससी फिजिक्स, एमएससी जूलॉजी. ओके, जो भी एमएससी के कोर्सेस होते हैं, फर्स्ट जैसे फर्स्ट फर्स्ट अटेम्प्ट होता है, ऑलमोस्ट सारी की सारी सीटें बुक्ड. ठीक है, कुछ नहीं बचता भाई, इतना खतरनाक स्कोप है इसका जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब का जो है एमएससी वाले जितने भी कोर्सेज है, खट फर्स्ट अटेम्प्ट के अंदर ही सारे के सारे कोर्सेज खत्म हो जाते हैं. ओके यार, पिछले साल की अगर अपन कट ऑफ की अगर अपन बात करें तो 260 प्लस कट ऑफ गया था. इस साल अगर अपन जिस प्रकार से हमारे पास क्वारी जा रही है, बच्चे रेस्पॉन्स दे रहे हैं, बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर बच्चे डाउट पूछ रहे हैं, या फिर बच्चों की जो डिमांड है अप्लाई करने की, उसकी रेशियो को अगर देखते हुए अनुमानन अगर अपन बताएं, 99.999% सक्सेसिव रेशियो इन दिस, आपका जो कट ऑफ होने वाला है इस साल वो 300 प्लस कट ऑफ जाने वाला है. इफ यू रिक्वायर्ड अ सीट इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, देन आपको खूब बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा. अगर आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, देन यू आर एलिजिबल फॉर गेटिंग अ सीट इन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब. दिस इज रियली ऑसम. ओके, और यार जो NIRF रैंक है बहुत ही अच्छी है. UGC, AICT, वो तो आप सभी को पता ही होगा, यूनिवर्सिटी ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स 9 एक्ट के अंदर इसको क्रिएट किया गया है. बहुत ही पुराना कॉलेज है. ओके, सो अगर आपको इसके अंदर एडमिशन लेने का मौका मिलता है तो आप जरूर लीजिए. प्लेसमेंट बहुत अच्छा होता है. इसके अपन कोर्सेज की कुछ डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल है. जैसा कि आप देख सकते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की ऑफिशियल वेबसाइट है cup.edu.in. ओके, सो ये जो है इसकी वेबसाइट अभी ऑलमोस्ट ओपन हो चुकी है. जैसा कि आप देख सकते हैं, वेबसाइट के ऊपर जो ऑप्शन दिया गया है, एकेडमिक एंड कोर्स एंड स्ट्रक्चर. ओके, सो यार अब हम देखते हैं कि ये कौन कौन से कोर्सेज जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब प्रोवाइड करता है. तो कंप्यूटर महोदय, हमें ले चलो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब की कंप्यूटर स्क्रीन पर. तो चलिए चलते हैं. ओके, सो आप देख सकते हैं यहाँ पे 2021 तक जो कोर्सेज प्रोवाइड किए जा रहे थे, जैसे कि MBA है, फूड टेक्नोलॉजी है, MSc लाइफ साइंस है. गाइस बहुत खतरनाक कोर्सेज है, एक झटके के अंदर सारी सीटें गायब हो जाती है. MSc केमिस्ट्री है, सीटें बचती नहीं है इनके अंदर, मतलब इतनी ज्यादा डिमांड है. ओके, एटलीस्ट 50,000 बच्चे अगर अप्लाई करते हैं तो मिनिमम 30 से 40 बच्चों का सिलेक्शन होता है. यहाँ पे ऐसी कंडीशन बनी हुई है. ओके, जैसे कि MA है, MA जस्ट लाइक हिस्ट्री है, कौन सा कोर्सेज था जिसके बहुत ज्यादा डिमांड है. ओके, जैसे जूलॉजी है, माइक्रो केमिस्ट्री भी है क्या कोई कोर्स, मैथमेटिक्स है, इसकी तो सीटें रहती नहीं है, पता नहीं ये कौन खा जाता है. ओके, PhD प्रोग्राम के अंदर बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, PhD, इट्स ओके. ओके, PhD तो बहुत बड़े बड़े लोग करते हैं यहाँ पे. ओके, जनरली जो बच्चे जो यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं, जैसे कि यहाँ पे PG कोर्सेस है और आई थिंक इंटीग्रेटेड कोर्सेस अगर हो तो जो UG वाले बच्चे जो कर सकते हैं. हालांकि बहुत अच्छे कोर्सेस अवेलेबल है, यूनिवर्सिटी की रैंकिंग बहुत खतरनाक है. ओके, CUCT के अंदर डंका बजता है इस यूनिवर्सिटी का, ये आप बिल्कुल ध्यान रहे, इस यूनिवर्सिटी का CUCT के अंदर डंका बजता है बहुत अच्छे से. सो आप बिल्कुल खूब प्रिपेयर करिए गाइस, इसके अंदर एडमिशन ऐसे आसानी से नहीं हो सकता, बहुत अच्छे मार्क्स लाने होते हैं. आप भी लोग वीडियो देख रहे हैं, मुझे पता है, मतलब जो UG कोर्सेज कंप्लीट करके आए हैं, क्योंकि ये PG वाले बच्चों के लिए, स्पेशली जो BSc वाले बच्चे हैं या फिर BCA जो करते हैं वो ऐसे कोर्सेज के अंदर इंटरेस्टेड होते हैं. यार MSc मैथमेटिक्स आप अगर कर लेते हो, या फिर यहाँ से अगर आप MSc में फिजिक्स कर लेते हो, दिस इज रियली गुड फॉर यू. ओके, और आपको मतलब बहुत कुछ आप
बहुत सारे लोगों को पीछे छोड़ सकते हो आप अगर यहाँ से कर लेते हो तो। यहाँ का अगर अपन बात करें एकेडमिक डिपार्टमेंट, यार चारों ओर हरियाली हरियाली होती है वैसे पंजाब के अंदर। हालांकि मैं पंजाब के अंदर यहाँ पे विजिट किया हूँ, बहुत अच्छे है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत अच्छा है इनका। हालांकि 2009 के अंदर ये जो स्टार्ट हुआ है कॉलेज, जो पार्लियामेंट के एक्ट के अंदर ऑलमोस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटीज 2009 के अंदर स्टार्ट किए गए हैं। 2009 से अभी तक इसको एटलीस्ट 10-12 साल हुए हैं, लेकिन 10-12 साल के अंदर बहुत ही ज्यादा ग्रो किया है यार। पंजाब स्टेट उतना ज्यादा एजुकेशन के अंदर बहुत पीछे है, किसान लोग हैं जनरली यहाँ पे, लेकिन हाँ पंजाब के लोग तो यहाँ पे बहुत ही कम मतलब रिजर्व होते हैं। ऑलमोस्ट पंजाबी जो लोग हैं वो कनाडा चले जाते हैं। यहाँ पे जो बच्चे ऑलमोस्ट होते हैं वो बाहर से, बिहार से या फिर तमिलनाडु वाले बच्चे भी, गाइस तमिलनाडु के कहाँ के बच्चे हैं जो कि पंजाब आने के लिए, मतलब वैसे मेरे पास हजारों कॉल्स आते हैं, भैया पंजाब के अंदर दिला दो कुछ भी कर लो, कुछ भी हो जाए, मर्डर कर दे, उड़ा दे किसी को, ओके गाड़ियां चला दे, गोलियों, अमृतसर का जलियांवाला बाग हत्याकांड करा दो, कुछ भी करा दो, लेकिन हाँ इसमें हमें हमसी जूलॉजी दिला दो, हमसी मैथमेटिक्स दिला दो, पैसे पानी की तरह बहा देंगे, लेकिन हमें यह कोर्स दिला दो। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जिसका बहुत सारे लोग फायदा भी उठाते हैं। क्या करते हैं वो लोग यार, बहुत सारे मैंने देखे हैं, मैंने भी कॉल किया था कि भैया मेरे को एडमिशन चाहिए सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के अंदर, सो मेरे को बोलते हैं ठीक है ये गूगल पे फोन पे है, 10,000 आप पे कीजिए, आपको सीट दिला दूंगा। ओके यार ऐसा कोई रूल नहीं होता, ठीक है, जो भी एडमिशन होगा अगर प्राइम मिनिस्टर का बेटा भी आ जाए या फिर यहाँ के वाइस चांसलर का बेटा भी आ जाए तो उसको भी उसी प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा, चाहे वो IITs हो, NITs हो या फिर हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो। ऐसा कोई भी अदर ऑप्शन नहीं है जिसके अंदर आप जो है एक्स्ट्रा पैसे दे के एडमिशन ले लें, बिल्कुल इट्स इज अनजस्टिस है, आप लोगों के साथ बिल्कुल बहुत बड़ा स्कैम हो रहा है, आप इससे बच कर रहे। ऐसा कुछ नहीं होता कि आप पैसे दे के एडमिशन ले लो, दिस इज इम्पॉसिबल, पॉसिबल है ही नहीं। और अगर ये पॉसिबल आप लोगों के साथ हो रहा है तो मुझे भी बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर के अंदर, हम भी उनका जो है बनाएंगे क्या मुर्गा। ओके ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच, छोटों से प्यार करिए, बड़ों का सम्मान कीजिए, ओके यार, और सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के लिए खूब पढ़ाई कीजिए, ओके खूब पढ़ाई कीजिए, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिशन मिल पाना बहुत मुश्किल है गाइस, यहाँ पे बहुत ही ज्यादा कंपटीशन होता है।